जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आंगनवाड़ी आशा वर्करों से संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित हो या आपके स्थायीकरण से संबंधित हो, दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आज हो चुका है 7 अक्टूबर 2019, सभी राज्यों की 10 बड़ी खबरें देखने वाले हैं, जिसमें आपकी मुख्य खबरें हैं, आंगनवाड़ी बहनों को मिली खुशखबरी, सरकार देने जा रही है 7 महीने का रुका हुआ मानदेय, यानी जिन जिन राज्यों में आपका रुका हुआ मानदेय है वो अगले महीने तक यानी इसी महीने के लास्ट तक आपका आने वाला है, या नवंबर के फर्स्ट तक आपका सभी राज्यों का मानदेय है वो आने वाला है, सभी राज्यों की खबरें हैं हम देखने वाले हैं। साथ ही कुछ राज्यों में है बहनों का मानदेय बढ़ने वाला है, यानी कई राज्यों में लगभग 2 से 3 हजार रुपये तक आपका मानदेय बढ़ने वाला है, कई जगह स्थायीकरण की खबरें भी आई है, सभी खबरें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी बहनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें, क्योंकि आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कौन से राज्य में आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी राज्यों की हैं पूरी खबरें, डिटेल से देख लेते हैं। पहली खबर है BLO का काम नहीं करेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं कि आपका पूरा न्यूज संत कबीर नगर का न्यूज है आपका। जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद के परिसर में रविवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, उसमें विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। इन्होंने सभी को सहमति से BLO का काम नहीं करने का संकल्प लिया। इन कर्मियों के साथ जो उत्पीड़न का विरोध जताया जा रहा है, आंगनवाड़ी संघ का प्रतिनिधित्व मंडल जल्द ही DM से मिलेंगे, समस्याओं का निदान होने से वर्ध आंदोलन करेंगे। आंगनवाड़ी संघ के जिला संरक्षण अयोध्या प्रसाद चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय के अलावा मुख्य सचिव शासन ने शासन देश जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं से उनके विभाग के अलावा दूसरे विभाग का न काम न लिया जाए। जिला प्रशासन इन आदेशों की अवहेलना करके आंगनवाड़ी कर्मियों से BLO की ड्यूटी ले रही है, इन ऑनलाइन फंडिंग का काम कराया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय लेने के लिए उनके घर के बाकी कई सदस्यों को अलग अलग कार्य करना पड़ रहा है। साल भर से BLO के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संघ की मंत्री राजमती ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल DM से मिले कर उन्हें अपनी समस्याओं अवगत करवाएंगे, साथ ही दूसरी बार को कार्य नहीं करने जाने का अनुरोध भी किया जाएगा। यदि इससे बाद भी समाधान नहीं निकला तो वह आंदोलन करके विवश होने पड़ेगा। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं कि आपका अगली बड़ी खबर क्या है। हड़ताल सेवकों को 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश, 5 पर की गई है कार्रवाई। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं क्या आपका पूरा न्यूज। रांची का न्यूज है आपका, झारखंड का न्यूज है। उपायुक्त राय महिपात ने सदर परियोजना की 5 आंगनवाड़ी सेवकों को चयनमुक्त कर दिया है। उन्हें सभी आंगनवाड़ी केंद्रों सेवकों सहायिकाओं को 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ये पत्र जारी कर चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर काम पर वापस नहीं लौटी तो आंगनवाड़ी सेवकों सहायकों का चयन है वो रद्द कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने रांची जिला के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि संबंधित परियोजना से जुड़े सेवकों सहायकों को पत्र के प्रति उपलब्ध कराया जाए, उन्हें 24 घंटे के अंदर काम पर वापस लौटने के निर्देश दें, अन्यथा उनका पद है वो रद्द कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर है नए सिरे से सेविका सहायकों का चयन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि बिना कारण बताए हड़ताल जारी रखने के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिन सेवकों पर कार्रवाई की गई है वे काम पर लौटने के इच्छुक सेवकों सहायकों को रोक रही थी, उन्हें काम पर वापस लौटने से हैं आपके चयन मुक्त की सेवकाओं को अन्य सेवकाओं सहायकाओं की नोटिस लेने से रोका था। 3 अक्टूबर को बाल विकास परियोजना आपके पदाधिकारी रांची की वार्ता भी उनसे की। 3 अक्टूबर को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रांची ने उनसे वार्ता की थी, फिर भी कोई फलाफल नहीं निकला। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आंगनवाड़ी में सरकार की योजनाओं की है वो जानकारी दी गई है। विकासखंड के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम
सीआर खेड़ा आंगनबाड़ी केंद्र पर शनिवार को कार्यक्रम हुआ। इसमें गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिका और गांव की महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रवेश को अनामिका छारी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और उदिता योजना आदि की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में आई महिलाओं को एनीमिया की पहचान और निदान के बारे में बताया गया है। इस अवसर पर परियोजना सामने मोनिका कौशल भी है, वो मौजूद रही। अगली खबर देखते हैं, कमेटी मोहल्ला में आपके आंगनवाड़ी महिलाओं ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं। स्वच्छता भारत अभियान के दौरान आंगनवाड़ी महिलाओं और पदाधिकारियों ने कमेटी मोहल्ला में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान आंगनवाड़ी सुपरवाइजर अनुपलता, कृष्णा, वर्कर कंचन और रजनी के क्षेत्र की महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के कारण ही हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के गड्ढों नालियों में गंदा पानी जमा न होने दें, पानी की टंकी को साफ रखें और आसपास के क्षेत्र में कूड़े में ढेर न लगने दें जिसे मच्छर मक्खी पैदा न हो। साथ ही वर्कर कंचन ने महिलाओं को पॉलीथीन प्रयोग न करने और पर्यावरण के संरक्षण बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अगली खबर देख लेते हैं, उधार के भवन हैंडओवर नहीं हुए 69 आंगनवाड़ी केंद्र। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं, आपका क्या है पूरा न्यूज। आदर्श सांसद आदर्श कोल्हापुर में उधार के भवन में नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पर आंगनवाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। धीरे धीरे 3 साल गुजर गए लेकिन अभी तक भवन की हैंडओवर नहीं किया गया है। ये बानगी भर की अलावा इसके अलावा जिले में 69 आंगनवाड़ी केंद्रों में भवनों में आपके विभाग अभी तक हैंडओवर नहीं कर सका है। निर्माण में मनमानी किए जाने की शिकायत पर है। जिलाधिकारी ने तकनीकी जांच के लिए गठित कमेटी की है। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर मिली खामियों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से जिले के 6 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 1421 आंगनवाड़ी और मिनी केंद्र संचालित हैं। शुरुआती दौर में आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित करने के लिए 250 भवनों का निर्माण कराया गया था। इसके पश्चात 2012-13 में 4, 2013-14 में आपके 10 और 14-15 में 8 और 15-16 में 9 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण है वो करवाया गया था। अगली खबर देख लेते हैं, अगली बड़ी खबर क्या है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेंगी शहरिया समुदाय के कुपोषित बच्चों की देखभाल। महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय शनिवार को है उन आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सह सहायिकाओं की बैठक आयोजित की गई जो विशेष पिछड़ी जाति यानी शहरिया क्षेत्र में संचालित है। बैठक में परियोजना अधिकारी पूर्णिमा शुक्ला ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से कहा कि अति कम वजन और कम वजन कुपोषित बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी। इन क्षेत्रों की शहरीय बच्चों की नियमित देखभाल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को करना होगी। साथ ही सप्ताह के अंदर इन वजन की प्रगति रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित समूह संचालकों को भी यह निर्देश दिए हैं कि वह क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों का है बच्चों का भरपेट हो खाना खिलाए। अगली खबर हम देख लेते हैं, अगली बड़ी खबर क्या है। सामूहिक सहभागिता से स्कूल और के लिए दिए 125 नग थाली और गिलास। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं क्या आपका पूरा न्यूज। हाई स्कूल अंजोरा ढाबा के स्टाफ ने हैं वो सामूहिक सहभागिता से जोर देते हुए अंजोरा ढाबा के प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 125 नग थाली और 125 नग गिलास प्रदान किए हैं। ये थी दोस्तों आज की यानी आपके 7 अक्टूबर 2019 की सभी राज्यों की 10 बड़ी खबरें। ऐसी न्यूज लगातार हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं वो मानदे साथ ही स्थायीकरण संबंधी न्यूज देखना चाहते हैं सभी राज्यों की तो दोस्तों चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। उसका हम सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, चाहे आपकी किसी भी राज्य की छोटी छोटी न्यूज हो लगातार उससे संबंधित हैं हम। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है हम हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम बहनों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि लगातार बहनों भी मांगे उठाती रहती है कि उनका बहुत ही कम मानदेय है। उसके लिए हम लगातार हम भी हैं बहनों की मांगे उठाते रहते हैं, सरकार से अनुरोध करते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी है बहनों का मानदेय बढ़ाया जाए क्योंकि उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। उसके बाद में उनको मानदेय है
वो लगभग 200 से 250 रुपये में मिलता है। वो अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं। इस महंगा के ज़माने में अगर दिन का हम 200 से 250 रुपये हम मिले, ये तो मैं आपको अधिकतम बता रहा हूँ, तो यहाँ आपके बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की जहाँ मानदेय लगभग 21,000 रुपये तक, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, इन राज्यों में आपका मानदेय बहुत ज़्यादा है, उतना ही मानदेय है सभी राज्यों में किया जाए। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो चैनल का विजिट कीजिए, उसके बाद में आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।